सरगुजा संभाग के सबसे बड़े मेडिकल अस्पताल अंबिकापुर में कोविड संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सरगुजा संभाग के कोरिया, सूरजपुर, जसपुर, बलरामपुर सहित अन्य राज्यों से भी लोग बेहतर इलाज के लिए पहुंचते हैं। कोविड के इस संक्रमण के दौर कोरोना संक्रमित लोगों को जीवनदायिनी प्राणवायु ऑक्सीजन की अत्यधिक जरूरत पड़ रही है। सरगुजा सहित संभाग में सूरजपुर जिले के नैनपुर से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ना हो इसको लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने 190 जंबो सिलेंडर की खेप मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया गया है, जिससे लोग को ऑक्सीजन की कमी ना हो सके। कांग्रेस कमेटी सरगुजा के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया कि 40 सिलेंडर मेडिकल कॉलेज पहुँच चुका है और कुछ ही देरों में 160 जंबो सिलेंडर पहुँचने वाला है। 190 सिलेंडर की यह खेप मेडिकल कॉलेज के प्रथम तल आईसीयू और ऑक्सीजन बेड तैयार हो चुके हैं। साथ ही ग्राउंड फ्लोर में नगर निगम के माध्यम से आईसीयू व ऑक्सीजन बेड की तैयारी चल रही है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर ऑक्सीजन सहित जरूरत की हर सामानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कुछ ही दिन पूर्व ही मेडिकल कॉलेज में 250 किलोवाट का जनरेटर भी पहुँच चुका है। तीसरे वेव की संभावनाएं को लेकर निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्री पूरी तैयारी से जुटे हुए हैं। ये 40 सिलेंडर पहुंच चुका है और 150 सिलेंडर एक आध घंटे दो घंटे के अंदर में मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएगा। 190 सिलेंडर की खेप जो फर्स्ट फ्लोर आईसीयू और ऑक्सीजन बेड तैयार हो गए हैं और ग्राउंड फ्लोर में जो नगर निगम के माध्यम से आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की तैयारी चल रही है, इसके लिए यह एक बड़ी व्यवस्था हमारे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी के प्रयासों से सरगुजा ज़िले को समर्पित हो रहा है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये 190 सिलेंडर जंबो सिलेंडर के अलावा हमारे पास ज़िले में लगभग 200 के आसपास बफर स्टॉक में सिलेंडर अलग से रखे हुए हैं। एक जानकारी आपके माध्यम से ज़िले को और देना चाहूँगा कि लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की भी स्वीकृति स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव जी के प्रयासों से हो गई और सोमवार से 20 किलोलीटर का निर्माण कार्य भी चालू हो जाएगा। निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की व्यवस्था रहे मेडिकल कॉलेज में, इस कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सारी व्यवस्थाएं चल सकें, उपकरण हो या ऑक्सीजन टैंक हो, इनके तारतम्य में 10 दिन पहले यहां पे एक 250 किलोवाट का केएनओपी जनरेटर भी पहुंच चुका है। तो जैसी ज़रूरत के हिसाब से लोड बीच में पड़ा और जो प्लानिंग देख रहे हैं और जो एक संभावनाएँ और शंकाएँ थर्ड वेव की हैं, तो निरंतर उसके तरफ हमारे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी और वरिष्ठजनों के प्रयास से, हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सबके प्रयास से बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरगुजा जिले को लगातार मिलता जा रहा है। मैं इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी का हृदय से आभार व्यक्त करूँगा कि सरगुजावासी इस कोरोना महामारी के दौर में स्वस्थ रहें और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सकें।